बोलो। हाँ ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज ऑलवेज बीइंग टेकन अप फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑन रेंट, फॉर एग्जांपल 10 to 15 years। यस, इट्स नॉट मंथ्स, इट इज इयर्स। ठीक है, जब कोई बंदा 10-15 सालों के लिए कोई प्रॉपर्टी हायर बेसिस पे लेता है तो उसने लमसम में किराया भी एडवांस में ही दिया होता है। तो 10-15 सालों के लिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी को यूज करते हो तो आप उसके ओनर की तरह उसे यूज करते हो, इसलिए ये एसेट बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपने इस लीज होल्ड के एग्रीमेंट को रीन्यू करवाना है तो आप आगे रीन्यू करवा सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशन विद योर लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड और आपस के रिलेशन, आपके साथ उसके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रीन्यू करने को तैयार है कि नहीं। फ्री होल्ड विच इज होली सोली योर्स ओन प्रॉपर्टी, जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, मींस आप ही ने खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री भी आपके नाम पे है, दैट इज व्हाट वी कॉल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी यू ऑलवेज टेक फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑन रेंट। ठीक है, कई बार आपने पढ़ा, इधर उधर देखा होगा, अवेलेबल ऑन लीज, बाहर ऐसे कार्ड लगे हुए हैं, अवेलेबल ऑन रेंट। रेंट का मतलब है शॉर्ट पीरियड, ठीक है, और लीज का मतलब है 10-15 सालों के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक, जब 10-15 सालों के लिए कोई बंदा उसे यूज कर रहा है तो ओनर की तरह यूज करेगा ना, इसलिए इसे एसेट की कैटेगरी में रखा जाता है। मोटर व्हीकल्स नीड नॉट टू एलेबोरेट एज योर एसेट। इक्विपमेंट्स, लूज टूल्स एंड स्टोर्स, लाइव स्टॉक, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है तो लाइव स्टॉक, ठीक है, बुफेलोज हो गए, काउस हो गए, दैट आर योर एसेट। ठीक, एनिमल्स मतलब कंप्यूटर्स है, वहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो भी हमारी एसेट है। गुडविल हमारी एसेट है। पेटेंट और कॉपीराइट में फर्क बोलो, पेटेंट और कॉपीराइट में फर्क बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेटेंट राइट्स एंड कॉपीराइट्स? हु विल टेल? कॉपीराइट क्या होता है? वो कॉपीराइट है, बिल्कुल ठीक है। कॉपीराइट इज अ टर्म विच वी यूज फॉर सम इंटेलेक्चुअल वर्क। And what is the meaning of patent right? That can be related with some certain formula, certain recipe, certain invention, जो आपने अपने नाम पर registered करवाई होती है। No other firm, no other company, no other person can use your patent on his or her name. Otherwise, you can sue him. अगर कोई आपका वो patent use करेगा जिसको आपने अपने नाम पर registered करवाया है, तो उस party के against case भी कर सकते हो आप। So this is the difference between these two terms. Software. कंप्यूटर हार्डवेयर भी मेरा एसेट है, सॉफ्टवेयर भी मेरा एसेट है। डन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क? जब आप अपना कंपनी का कोई सिंबल या लोगो अपने नाम के ऊपर लीगली रजिस्टर करवा लेते हो तो वो आपका ट्रेडमार्क बन जाता है। लाइक टाटा का टी, हुंडई का एच, मारुति सुजुकी का एस, ठीक है, रेनो का एक डिफरेंट, क्या बोलते हैं उसको, डायमंड शेप में है ना रेनो की गाड़ियों का, ठीक है, कुछ इस तरह से। सो दैट इज देयर लोगो एंड दैट दे गॉट रजिस्टर्ड ऑन देयर नेम। लीगली प्रोटेक्शन ली हुई है उन्होंने, और कोई कंपनी सेम लोगो नहीं यूज कर सकती। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेडमार्क, इट इज योर एसेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को खोल, देखो एक्सपेंस है, कंपनी को खोलने से पहले जो भी खर्चे आपके बिफोर इट्स स्टार्ट, बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन हुए हैं, वो सारे खर्चे आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। So being an expense, these are to be debited. बोला हुआ है debit में क्या क्या आना है, सारे asset, सारे losses, सारे expenses, right? Discount, on debenture छोड़ देते हैं अगर अकेला discount है तो। क्यों discount? दो तरह का discount, allowed है तो, discount allowed है तो debited, discount received है तो, बस आपने ये याद रखना है। डिबेंचर वाला छोड़ दो, प्लस टू क्लास में करेंगे इसके बारे में, देन यू विल कम टू नो। ओनली डिस्काउंट अलाउड है, दिस इज इन योर क्लास। अंडरराइटिंग कमीशन, हैव यू हर्ड अबाउट इट? हैव यू हर्ड अबाउट ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स? हु आर ब्रोकर्स? हु आर ब्रोकर्स? जो शेयर खरीदते हैं वो ब्रोकर्स हैं, जो शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं वो ब्रोकर्स हैं। ठीक है, अब आगे सुनो, मतलब सेल और परचेज में डील करते हैं। जब शेयर के प्राइसेस डाउन हुए हैं तो वो खरीद लेते हैं, जब इंक्रीज होते हैं तो उन्हें बेच देते हैं। दैट इज देयर बिजनेस, है ना, शेयर्स में डील करना इज देयर बिजनेस, ब्रोकर्स इज डन। अंडरराइटर्स कौन है, ध्यान से सुनना, अंडरराइटर्स आर द एजेंट्स हु प्रोमिसेस टू द कंपनी टू सेल द कंपनीज शेयर ऑन कमीशन बेसिस।
अब कंपनी लोगों के घरों में जाके शेयर थोड़ी ना बेचती है, कंपनी किसी एजेंट की हेल्प लेती है और उन एजेंट्स को हम अंडरराइटर्स कहते हैं। अंडरराइटर्स प्रॉमिसेस अस टू सेल ऑफ आवर शेयर्स, इवन इस तरह का भी प्रॉमिस करते हैं कि अगर पब्लिक में नहीं बिकेंगे हम खुद खरीद लेंगे, लेकिन आपसे एक्स्ट्रा कमीशन लेंगे। सो व्हाटएवर कमीशन वी आर पेइंग टू देम दैट इज आवर एक्सपेंस, दैट्स व्हाई इट इज टू बी डेबिटेड। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की कुछ आइटम सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से नहीं दी गई, कुछ आइटम्स कंपनी के हिसाब से दी गई। ठीक है, हमारे सिलेबस में कंपनी नहीं है, कंपनी वी विल रीड इन आवर प्लस टू क्लास। यहाँ पे आइटम्स को क्योंकि मेरे को बताना है तो आई एम जस्ट रिलेटिंग इट, दो दिस विल नॉट कम। आपके क्वेश्चन में जब फॉर्मेट आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें अंडरराइटिंग कमीशन बहुत कम बार आएगी, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड विद सोल प्रोप्राइटर, दैट इज रिलेटेड विद कंपनी। लॉस ऑफ स्टॉक क्या है, व्हाई इट इज बीइंग डेबिटेड? ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। किस कारणों से लॉस हो सकता है स्टॉक का, किन कारणों से हो सकता है स्टॉक का नुकसान? बिल्कुल ठीक है, फायर के कारण, मॉइस्चर के कारण, रेन में बाहर पड़ा रहा सामान, चूहों ने खा लिया तो भी खराब हो गया। इन एनी वे यू आर रनिंग अ ग्रोसरी शॉप, बोरी को चूहे ही खा गए, ठीक है, सारा मॉइस्चर उसमें घुस गया, उसके कारण भी सामान का नुकसान हो सकता है। सो रीजन कैन बी एनी, बट दैट इज योर लॉस, दैट्स व्हाई इट इज टू बी डेबिटेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ परचेसेस, हु विल डिफाइन परचेसेस? क्रिश बेरी डिफाइन इट। परचेसेस, व्हाट डू यू मीन बाय परचेसेस? कोई भी गुड, इंग्लिश में एक लाइन बोलो। परचेसेस को डिफाइन करते हुए व्हेन वी परचेस, है ना, गुड डेफिनेशन। अच्छा, व्हेन वी बाय, आगे कंप्लीट करो लाइन। इज इट अ वे टू डिफाइन द टर्म? चलो विनीता आप बोलो, व्हाट डू मीन बाय परचेसेस? कोई भी सामान खरीदते हैं, आगे ये थोड़ी ना टर्म की डेफिनेशन है, गरवा बोलो। यस, व्हेन वी बाय द गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, दैट इज परचेसेस, दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन। व्हेन वी बाय द गुड्स फॉर आवर ओन यूज, वो तो एसेट है, ठीक है, रीसेल पर्पस जरूर बोलना है। So it is going to be our expense, being an expense, it is always to be debited. Sales return, why it is debited? Sales return, why it is debited? Sales return हमारा नुकसान है, सामान वापस आया तो नुकसान तो नहीं है। Real account लगा, debit what comes in, सामान आया मैंने गोडाउन में रख लिया, नुकसान नहीं बोल सकते sales return को, sales return is never our expense और never our loss। हाँ बोलो, हाँ वो हमारे स्टॉक में वापस आ गया, रियल अकाउंट का रूल लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। सिमिलरली अगला भी बता देती हूँ, परचेस रिटर्न इज टू बी क्रेडिटेड बिकॉज दैट इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वहां पे भी रियल अकाउंट का रूल लगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, सो इस रिटर्न हमेशा क्या होगी, डेबिट। सेल्स क्या होगी, परचेस क्या होगी, परचेस रिटर्न क्या होगी, रिवर्स रिलेशन है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड दोनों ही डेबिट है, व्हाट इट मींस, ये भी तो है, इन होता तो डेबिट होना चाहिए था, आउट होता तो क्रेडिट होना चाहिए था, व्हाई दीज आर बोथ आर डेबिटेड? बोलो लॉजिक, इसमें इन और आउट क्यों नहीं लगा? यस, बिकॉज बोथ आर एक्सपेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, वन इज कैरेज इनवर्ड एंड अदर इज कैरेज आउटवर्ड? मेघा आप बताओ, मेघा विल टेल। नहीं, नो, मैंने कभी नहीं बताया है क्लास में, कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड नहीं बताया मैंने। बैठो, जब हम सामान खरीद के लेके आते हैं और रास्ते में सामान को लेके आने का जो खर्चा है, मींस ड्यूरिंग द परचेसेस आई पे द एक्सपेंसेस फॉर ऑन द वे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कैरेज मतलब उठा के लेके आए सामान, ठीक है, तो जिस भी व्हीकल के थ्रू आया दैट इज कैरेज इनवर्ड बिकॉज द गुड्स आर कमिंग इन, यू पेड इट फ्रॉम योर पॉकेट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेज आउटवर्ड, व्हेन यू सेल द गुड्स एंड यू सेंड द मटेरियल To your customer's place, तो वो carriage outward, तो भी आपने खर्चा दिया। कई बार होता है ना कि आप कहते हो transportation खर्चे मैं ही दूंगा, सेल के टाइम पे जब आप पेमेंट करते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन purposes, वो carriage outward है, परचेज के टाइम पे जो आप खर्चे करते हो वो कैरेज इनवर्ड है, both are expenses, लेकिन मेरे accounts में इन दोनों expenses की categories है, carriage inward is direct expense, carriage outward is indirect expense. Have I ever explained the meaning of direct and indirect expenses in the class? सुनो सर,
One is direct expenses. Another is indirect expenses. Direct expenses are basically being incurred to buy the goods, and this include all those expenses which we incur on the way to bring the material at your own place. रास्ते में जो भी सारे खर्चे पे हुए हैं सामान को लेके आने के लिए, वो सारे डायरेक्ट हैं। और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो सारे खर्चे जो प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करते हैं वो डायरेक्ट है। लाइक मशीन की ऑयलिंग डायरेक्ट है, मशीन में यूज होने वाला फ्यूल डायरेक्ट है क्योंकि वो प्रोडक्शन में हेल्प है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर बेसिकली बींग इंकर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड इवन प्री प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, जब सामान बनके तैयार हो गया उसको बेचने के लिए जो खर्चे होंगे वो सारे इनडायरेक्ट होंगे। और इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरीज है, रेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट है लेकिन नॉन कैश। एक बात मेरे को और बतानी है आपको, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट है और कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है। वाई? विद रेफरेंस टू माई डेफिनेशंस, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट है और कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है। वाई? कैरेज इनवर्ड इज बिफोर प्रोडक्शन, सामान को लेके आने का खर्चा है, एंड कैरेज आउटवर्ड इज इनकर्ड आफ्टर प्रोडक्शन, सेल के बाद। ठीक है, ड्यूरिंग द सेल मैंने किया इसलिए वो इनडायरेक्ट है। अब अगला एक और सुन लो, वेजेस डायरेक्ट है, सैलरीज इनडायरेक्ट है। वाई? वेजेस डायरेक्ट है, सैलरीज इनडायरेक्ट है। वाई? वेजेस आ रहे हैं? नो, पहले तो वेजेस और सैलरी में डिफरेंस बैठो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज? ये भी नहीं मैंने कभी बताया। किसको दिए जाते हैं? Wages are always to be paid to the labor class and salaries are always being paid to the officers, white collar employees, जो पेपर वर्क करते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं। आई एम गेटिंग सैलरी, घर में मैंने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रही हूँ, एक क्या है मेजर है और दूसरा क्या है लेबरर है। जो मैं लेबरर को दे रही हूँ वो डेली बेसिस पे दे रही हूँ मैनुअल वर्क के लिए, वो मेरी क्या है वेजेस है। ठीक है, वट एवर आई एम पेइंग टू हिम, so wages are my direct expense. Why? Because these laborers help us in our production process. Or salaries are being paid to the manager, being paid to the workers who are not doing the manual work. Salary administrative job के लिए दी जाती है और wages manual work के लिए दी जाती है। इसलिए being commerce students आपने हमेशा याद रखना है wages are okay and सैलरी सर। अब सामान किसी दूसरी कंट्री से आ रहा है ना, यू आर पेइंग इंपोर्ट ड्यूटी, इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? यस डायरेक्ट, बिकॉज सामान को लेके आने का खर्चा है भाई, रास्ते में पे किया है। जब सामान पहुंच गया कस्टम वालों ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, सो इंपोर्ट ड्यूटी विल ऑल्सो बी रेफर्ड एज डायरेक्ट। फ्यूल, कोल, कई मशीनें कोल से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल रही, तो फ्यूल जो है वो भी डायरेक्ट है क्योंकि मशीनों को चलाने का खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग में हमारी हेल्प हो रही है। ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इवन बिफोर प्रोडक्शन, दैट ऑल एक्सपेंसेस वी कॉल डायरेक्ट। एंड व्हाटएवर बीइंग इनकर्ड इन ऑर्डर टू सेल द गुड्स और आफ्टर सेल्स लाइक एडवर्टाइजमेंट, लाइक सैलरीज, रेंट, दीज ऑल विल बी नेम्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो समथिंग न्यू टुडे वी लर्न। फ्रेट, फ्रेट कौन सा एक्सपेंस होगा? और ज्यादा स्पेसिफाई करूं, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट, सामान को लेके आने का रास्ते का किराया, फ्रेट। सो दिस इज ऑलवेज डायरेक्ट, चाहे साथ में वो इनवर्ड लिखे या ना लिखे, अगर कुछ नहीं लिखता उसका मतलब इनवर्ड ही है। और एक बात आपने याद रखनी है, अगर वर्ड अकेला कैरेज है उसका मतलब कैरेज इनवर्ड ही है भाई, तो उसे डायरेक्ट मानना है आपने। ठीक है, अगर इनवर्ड और आउटवर्ड स्पेसिफाई कर देता है वेल एंड गुड, अगर अकेला कैरेज वर्ड लिखता है तो कैरेज अकेला जो वर्ड है वो अपने आप में कैरेज इनवर्ड होगा। यू विल बी टेलिंग टू द एग्जामिनर दैट इट इज आर डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑडिट फी,
व्हेन यू कॉल सीए टू चेक योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दो तरह की पर्सनालिटीज होती हैं भाई अकाउंट्स बुक्स को चेक करने की, एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक ऑडिटर है। सुना है आपने कभी ऑडिटर? ऑडिटर की भी क्वालिफिकेशन मोर और लेस चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी ही होती है, लेकिन ऑडिटिंग का अलग से कोर्स भी होता है, ठीक है। तो whosoever comes to my business concern to check my books of accounts to find the mistakes, errors, etc. being committed by me, we pay a fee to him or her. ठीक है, जो भी ऑडिटर आता है हम उसे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करवाते हैं और बदले में उसे फी पे करते हैं। जो भी फी हम पे करेंगे वो मेरा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग डेबिटेड। क्लियर है ऑडिट फी? टू होम इट इज बीइंग पेड, वाई वी पे? इन ऑर्डर टू गेट हिज सर्विसेज, ठीक है। ही इज गोइंग टू सर्व अस, ही इज गोइंग टू चेक आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्लियर है? ठीक है, हमारा एक्सपेंस है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, आजकल जमाना चला गया मेल वगैरह भेजते हैं, पोस्टेज और टेलीग्राम कहाँ यूज होते हैं, बुक पुरानी बनी हुई है, पुराने कंटेंट है, तो ये भी एक्सपेंस है। रिपेयर्स, किस चीज की रिपेयर होगी? मशीनरी की हो सकती है, इवन बिल्डिंग की भी तो हो सकती है। आप अपने ऑफिस की रेनोवेशन करवा रहे हो, वो भी जो सारा खर्चा है, दैट इज टू बी डेबिटेड। डेप्रिसिएशन बीइंग अ नॉन कैश एक्सपेंस इज टू बी डेबिटेड। देन बस मैंने ऊपर ही करवा दिया था, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर की जगह मैंने डिस्काउंट अलाउड करवा दिया था, दैट इज एनफ फॉर यू। चैरिटी एंड डोनेशन हमारा एक्सपेंस है। बैड डेट्स हमारा लॉस है। क्या मतलब है बैड डेट्स का? यस, मनी विच इज इररिकवरेबल ड्यू टू द इनसॉल्वेंसी ऑफ आवर डेटर। मेरा डेटर पैसे पे करने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है, वो इनसॉल्वेंट हो गया है, पंजाबी में बोलते हैं उसका दिवाला निकल गया है, तो ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे बैक आवर मनी, दैट्स व्हाई इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ लॉस। व्हाट इज बीइंग इंक्लूडेड इन सेलिंग एक्सपेंसेस? What is being included in selling expenses? हाँ, like selling, चलो transportation का खर्चा, और specifically selling expenses में हाँ packing का खर्चा, अच्छा, और advertisement का और salesman की commission, selling expenses। तो salesman मेरे commission basis पे काम करते हैं ना, so whatever commission I am paying to my salesman, that is also one of my selling expense। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट सबको पता, रेट क्या होगा, टैक्स क्या होगा? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। टैक्सेस में वही जीएसटी वगैरह आ जाएगा। रेट्स को ऐसे ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, वो तीनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करता है। रेट्स एंड टैक्सेस को इंटरचेंजेबली यूज करता है, रेंट तो है ही अलग, ठीक है, तो रेट्स की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरीज एंड वेजेस दोनों ही एक्सपेंस है, लेकिन एक इनडायरेक्ट है, दूसरा डायरेक्ट है। इंश्योरेंस, किसका इंश्योरेंस? बिल्डिंग का इंश्योरेंस, स्टॉक का भी इंश्योरेंस होता है, यू नो, प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस होता है। अगर किसी साल में मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम प्रॉफिट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कॉम्पनसेट करेगी क्योंकि मैंने प्रॉफिट इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है। दोबारा बोलो। हाँ, तो ये भी तो लॉस ही है। प्रॉफिट अनइंश्योरेबल क्यों होगा? इंश्योरेबल ही है। प्रॉफिट इंश्योरेंस इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस। हाँ बोलो। हाँ, तो फॉर दैट यू आर पेइंग प्रीमियम। आप प्रीमियम पे कर रहे हो, फ्री में थोड़ा कॉम्पनसेशन मिल रही है। फॉर गेटिंग एवरी टाइप ऑफ इंश्योरेंस यू पे प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस, नहीं आग लगी तो सारा प्रीमियम पे किया गया, वेस्ट है ना, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट हो, इसलिए आप अपने प्रॉफिट को इंश्योर करवा लेते हो। क्रॉप इंश्योरेंस भी तो होता है, मान लो क्रॉप सही सलामत रही तो फार्मर्स को नहीं मिलनी कोई कंपनसेशन। हाँ, क्रॉप में नेचुरल क्लाइमेटिस के कारण कोई गड़बड़ हो गई तो उसे कंपनसेशन मिलेगी, ठीक है। वेयर एवर अनसर्टेनिटीज अकर इंश्योरेंस कैन बी देयर, डन। और अकाउंट्स में मैं एक बात बोलती हूँ, फॉर ऑल द एबनॉर्मल लॉसेस इंश्योरेंस कैन बी डन, बट नॉट फॉर नॉर्मल लॉसेस इंश्योरेंस कैन बी डन। What is the difference between abnormal and normal? ये मत कहना कि मैंने नहीं करवाया, मैंने करवाया भाई। ये मैंने जर्नल एंट्रीज में नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस दोनों करवाए हूँ। What do you mean by normal losses? Normal losses, abnormal losses, abnormal losses can't be controlled। जिनके ऊपर आप कंट्रोल नहीं रख सकते हो, ठीक है, कौन से? लाइक एबनॉर्मल लॉस, फायर, अकरेंस ऑफ फायर, थेफ्ट, चोरी हो जाना, एबनॉर्मल लॉस।
normal loss, leakage of petroleum, leakage of spirit when it was being transported. ठीक है, कोल की क्वांटिटी 1000 क्विंटल आ रही है, रास्ते में 50 kg क्रश हो गया, दैट इज अ नॉर्मल लॉस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स. गुड्स की नेचर ही ऐसी है कि उसमें से कुछ लीकेज होने की पॉसिबिलिटी है, कुछ क्रश होने की पॉसिबिलिटी है, तो इनकी इंश्योरेंस नहीं होती भाई, क्योंकि ये लॉसेस होने ही होने हैं, दीज आर अनकंट्रोलेबल. आप जितनी मर्जी केयरलेसनेस केयरफुल हो जाओ, आप इन लॉसेस को कम नहीं कर सकते हो, चाह के भी कम नहीं कर सकते हो. इतनी दूर से पेट्रोल आ रहा है या कोई गैस आ रही है, कुछ ना कुछ लीक होने की पॉसिबिलिटी है ना. ठीक है, हो सकता है वहां से कितनी क्वांटिटी चली और एंड में थोड़ी सी क्वांटिटी कम पहुंचे डेस्टिनेशन पे. सो दीज आर द नॉर्मल लॉसेस जिनकी कभी इंश्योरेंस नहीं होती. ठीक, लाइटिंग एंड पार, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है. यू नो पार, अगर मशीनरी फ्यूल से नहीं चल रही तो पार से चल रही है. मशीन को सपोर्ट करने के लिए पार की जरूरत है, इलेक्ट्रिक पार की जरूरत है, तो वो भी आप क्या गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस है. लाइटनिंग तो पता ही है, ये लाइट्स वगैरह का खर्चा. क्लेम्स पेड, किसको किसने क्लेम्स पे किए, हम इंश्योरेंस कंपनी है जो क्लेम्स पे करेंगे. वी आर तो रनिंग अ बिजनेस, हमारा तो एक ट्रेडिंग कंसर्न है, तो फिर एक्सपेंस कहां है. दोबारा बोलो, हमने इंश्योरेंस वालों, वो प्रीमियम पेड होता बेटे. हाँ यस, दिस एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू गो. हमारा कोई वर्कर था, उसे काम करते करते इंजरी हो गई. ठीक है, उसकी फैमिली ने मेरे ऊपर केस कर दिया, कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इतने रुपए इसको क्लेम दो, तो दैट इज क्लेम पेड. मेरे किसी कंज्यूमर ने मेरी गुड परचेज करी, जिसके कारण मान लो फॉर एग्जाम्पल आई एम मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एंड आफ्टर यूजिंग दैट पर्टिकुलर गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ही और शी गॉट शॉक. उसने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया कि ISI मार्क नहीं था, ISI मार्क होने के बावजूद भी मेरे को शॉक लगा है. तो कोर्ट जितना भी डिसीजन लेगा कंपनसेशन देने का, देयर इज टू बी नेम्ड एज क्लेम पेड. आपका लॉस है, आपका एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो. ठीक है, वर्कर वाली एग्जाम्पल क्लियर है, आगे चलो. रॉयल्टी पेड, व्हाट इट मींस, रॉयल्टी पेड, पेड है ये तो एक्सपेंस है. रॉयल्टी बताया होगा कभी, बोलो फिर. हु इज स्पीकिंग, बोलो. दैट इज एन एग्जाम्पल. अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो, फॉर यूजिंग somebody's नेम और सिग्नेचर, वी जस्ट गिव हिम और हर अ fixed अमाउंट, क्योंकि हम उसका नाम, उसका फेस, उसका सिग्नेचर यूज कर रहे हैं. जलंधर में अगर बैट्स बन रहे हैं और उन बैट्स के ऊपर ओरिजिनल सिग्नेचर सचिन तेंदुलकर के हैं, तो वो बैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सचिन तेंदुलकर को रॉयल्टी देगी. ठीक है, कोई भी ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है और मनीष मल्होत्रा का टैग वो यूज कर रही है, उसका नाम यूज कर रही है, वो मनीष मल्होत्रा को रॉयल्टी देगी. यू आर गेटिंग मी. इसी तरह से किसी कंपनी की एड है और उस एड में आप एक फिल्म स्टार को यूज कर रहे हो, जितनी देर तक आपकी एड एक बार बनी है, उस टाइम आपने उस स्टार को लमसम में अमाउंट पे कर दी करोड़ों में, तो जितने महीने जितने साल वो एड टेलीकास्ट करते रहोगे, यू आर यूजिंग देयर फेस, यू आर यूजिंग देयर पर्सनैलिटी इन योर एडवर्टाइजमेंट. फॉर दैट एग्रीमेंट होता है कि साल में इतनी रॉयल्टी आपके पास आएगी. अब कल्याणी की बुक को प्रिंट करने के लिए हमारा पब्लिशर तो कल्याणी पब्लिशर है, इन तीन ऑथर ने लिखी है. हर साल पब्लिशर इन तीन ऑथर्स को कहता है कि बुक में चेंजेस करो. ठीक है, बुक को रिव्यू करो. अब इन ऑथर्स के नाम लगातार यूज हो रहे हैं जब से बुक बनी है. हर साल कल्याणी पब्लिशर इन तीनों ऑथर्स को रॉयल्टी पे करते. सो व्हेन यू आर यूजिंग समबडीज रिटर्न मटेरियल, यू आर यूजिंग समबडीज नेम और फेस फॉर योर ओन प्रोग्राम्स, फॉर योर ओन प्रोडक्ट्स, फॉर योर ओन प्रमोशन, यू आर सपोज टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू देम. दैट इज व्हाट वी कॉल रॉयल्टी. एज यू आर पेइंग टू समवन, दिस इज योर एक्सपेंस. ठीक है जी, आगे चलो. बैंक चार्जेस पता ही है, होते क्या बैंक चार्जेस, व्हाई बैंक चार्ज फ्रॉम अस, व्हिच टाइप ऑफ सर्विसेज बैंक प्रोवाइड अस. बिल्कुल ठीक है, एटीएम का पहले तो साल का खर्चा रहता है 100-150, पता नहीं 200 है शायद, है ना. चेकबुक आपके घर आती है, उसका भी है खर्चा. एनुअल चार्जेस भी होते हैं आपके अकाउंट को मेंटेन करने के,
So that already is being deducted from your account only. This is your expense, so that's why it is to be debited. Commission paid. To whom you pay commission? Whosoever are working for you, whosoever are your agent, आप उन्हें commission pay करते हो. Telephone expenses clear है. Drawings, income tax, life insurance, interest on capital, opening stock. Stock is my asset. Being an asset, it is to be debited. चलो जी credit side के items देखो. Who will define the term bank overdraft? It is a liability for me. It is clear. लेकिन what is the meaning of bank overdraft? बिल्कुल ठीक है. When we overdraw the money, then the balance available in my account, we call it bank overdraft. So we are liable to return it back to the bank. ठीक है. Businessman ने limit pass करवाई होती है भाई. Limit 5 lakh के पास है आपके account में. अगर 50,000 भी है तो 4.5 lakh ज्यादा आप निकलवा सकते हो क्योंकि 5 lakh की आपकी limit है. उस केस में you have to return back that amount, overdrawn amount in installment. ठीक है. In installment or with nominal interest. जब आपने लिमिट पास करवाई है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत कम लगता है. एंड दैट इज बीइंग नेम्ड एज ओवरड्राफ्ट. दैट इज योर लायबिलिटी. कैपिटल. कैपिटल इज व्हिच टाइप ऑफ लायबिलिटी? इट इज आल्सो नेम्ड एज इक्विटी. व्हिच टाइप ऑफ लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी. वी आर लायबल टू द ओनर, टू द प्रोप्राइटर. रिजर्व. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व? आपके पेरेंट्स आपके फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखते हैं. ठीक है. बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, देयर कैन बी सर्टेन मिसहैपनिंग्स इन लाइफ. उन अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए वी सेव द मनी. सिमिलरली आर बिजनेसमैन, दे आल्सो सेव फॉर फ्यूचर. व्हेन यू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू मीट अनसर्टेनिटीज ऑफ द बिजनेस, वी कॉल इट रिजर्व. एंड यू नो इट इज अ लायबिलिटी. Because we are liable to utilize it for some specific purpose. जिस purpose के लिए ये बनाए गए हैं आपने उसी purpose के लिए use करना है. Like reserve for repairs, किसके लिए use करूंगी? Repairs के लिए. ठीक है. Reserve for bad debts, किसके लिए use करूंगी? कल को bad debts होंगे तो उस loss को मैं इसमें से cover कर लूंगी. ठीक. Some reserves may also be named as general reserve. General means किसी भी purpose के लिए use करना. But you are liable to use it for some uncertainties only. So that's why it is always to be treated like liability, and being a liability, it is always being credited. ठीक है जी. Reserve का मतलब समझ आ गया. Keeping aside a part of profit to meet certain uncertainties of the business. Mishappenings के ऊपर किसी का control नहीं है. कभी भी कुछ हो सकता है. Natural calamity के कारण, flood के कारण आपका business तहस नहस हो गया. You have to recover yourself. You have to rehabilitate yourself. For that, आप बैंक से लोन भी लेने जाओगे कोई नहीं देगा क्योंकि आपका बिजनेस पहले ही फ्लॉप हो चुका है. फॉर दैट यू विल बी सेव यूजिंग योर सेव्ड मनी. ठीक है. घरों में जो हम आम भाषा में सेविंग कहते हैं, बिजनेस में उसी सेविंग को रिजर्व्स कहते हैं. ठीक है. विच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्ट्रेस अपॉन क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स? विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अपॉन क्रिएशन? यस, वेरी गुड. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेस, नेवर फॉर. मीन्स तैयारी किसकी करके रखनी है? बोर्मिटा की टैगलाइन है, तैयारी जीत की. तो बिजनेस में भी तैयारी जीत की होगी, लेकिन कैसे? बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स एंड प्रोविजंस. ठीक है. कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाएगी, आपके पास एक बैकअप होना चाहिए ना, फाइनेंशियल बैकअप. और उसी बैकअप को क्या कहते हैं? क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स. दिस इज आर इनकम. यस, बीइंग अ लायबिलिटी इट इज बीइंग क्रेडिटेड. बिल्स पेबल, हु विल डिफाइन बिल्स पेबल? इट्स माय लायबिलिटी, आई नो. It's my current liability, that also I know. What it means? Ananya, bolo. Bas ye topic karke fir band karte hain. Bills payable, Ananya will speak. Bills jo pay hote hain, bilkul theek hai. Jaise bijli ka bill hai, wo pay hota. Wo bills payable hai, tabhi number kam aaye na. Credit pe samaan liya, paise dene hain abhi, lekin uske liye ek return promise karke diya hai. Sign karke diye hain, wo bills payable hai. और उसमें आपने वर्डिंग लिखी है, आई प्रॉमिस टू पे टू यू ₹10,000 ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. दैट इज बिल्स पेबल एंड यू पुट योर साइन. जब आप अपने साइन करके किसी को देते हो तो वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है और इसके ऊपर रेवेन्यू स्टैंप भी लगती है. दैट इज व्हाट वी कॉल बिल्स पेबल. इट इज आवर लायबिलिटी.